ओके तो क्विकली लेट अस रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सिंपल था, खाली इसमें एक पोर्शन था एडब्ल्यूपी का व्हिच वाज अ लिटिल डिफिकल्ट, नहीं बोल सकते बट यस डिफरेंट सम था इसीलिए सबको डिफिकल्ट लगा, बट द सम वाज रियली सिंपल क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है, राइट. तो लेट अस रीड द क्वेश्चन. अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यूजेस 25 ईयर वेरिएबल प्रीमियम यूनिट लिंक्ड endowment assurance to a life age. So basically it's a simple endowment assurance. Variable premium yani ki premium might change. You under this policy the premiums increased by a fixed monetary amount for the first 5 years of the policy and then remain constant thereafter. So pehla 5 saal the premium is increasing and then it will remain constant. The premiums which are payable annually in advance throughout the term of the policy or until earlier death. And ये तो हमारा allocation rate है, हमें सब कुछ मालूम है that it's payable in advance. So these are the premiums, first 5 years it's increasing and then it's 3000 constant. These are the allocation rates which are given to us. If the policy holder dies during the term of the policy, the death benefit is 1 lakh or the bid value of the units, whichever is higher. So minimum हमें दे दिया 1 lakh का. And is payable at the end of the year. तो end of the year है, immediate payment नहीं है. The policy holder may surrender only at the end of each policy year on survival to the end of the policy term or on surrender the bid value. So on surrender or on maturity, bid value jitna bhi rehta hai us samay funds ka, wo hum usko pay karte hain. The units are subject to a bid offer spread of 6% and an AMC hai 1% ka. Management charges are deducted from the units. This is all what we know already. So now generally IFOE में and even in IAI हम लोग को स्प्रेडशीट मिलता है, ठीक है. IFOE में generally the columns, not all columns, 2-3 columns are made. आप उस columns में कर भी सकते हो, अगर आपको उस columns को हटा के नए columns बनाने तो वो भी कर सकते हो. Both options are available in case of IFOE. In case of IAI आप लोग को generally columns बना के नहीं, खाली data दिया हुआ रहता है in the spreadsheet, right? All of you switch on your cameras. Determine for each policy the dependent rates of mortality and surrender for the ages. So basically अब हम लोग को यहाँ पे क्या बनाना है, decrement table बनाना है. उसका देख लो 5 marks अलग से मिल रहे हैं हमें. तो properly you have to construct the decrement table with dependent rates. तो हम लोग को क्या बोला है question में, one second. ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज द स्प्रेडशीट. एक्चुअली क्वेश्चन स्प्रेडशीट अवेलेबल नहीं रहता है, डायरेक्टली यू हैव द आंसर स्प्रेडशीट इफ व्हेन यू डाउनलोड द पेपर्स फ्रॉम IFOE. आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन अलग से नहीं रहता, क्वेश्चन स्प्रेडशीट ये पूरा ऐसे आपको मिलता है. सो यू डायरेक्टली गेट द सोल्यूशन. तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितने कॉलम्स बने हुए रहते हैं, ये आपको पता चलेगा मॉक पेपर्स से, ठीक है. तो मॉक पेपर्स तो यू कैन टेक इट एज अ बेंचमार्क कि हाँ वैसे पेपर्स आपको मिलेंगे इन योर एग्जाम. तो देख लो ये सारा अजम्पशंस हमें गिवन है इन द इंस्टेड ऑफ इन द क्वेश्चन, हमें डायरेक्टली स्प्रेडशीट में अजम्पशंस गिवन है. ग्रोथ रेट्स ऑन यूनिट फंड, तो ग्रोथ रेट यूनिट फंड का ग्रोथ रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट और नॉन यूनिट फंड दिया हुआ है. मोर्टैलिटी इज 85% ऑफ द बेस टेबल हेल्ड इन मोर्टैलिटी शीट. तो मोर्टैलिटी शीट में हमें ये एलेक्स का ही कॉलम दिया हुआ है. सो एलेक्स का अगर कॉलम दे, यू कैन इजीली कंस्ट्रक्ट डीएक्स क्यूएक्स एंड एवरीथिंग. इस टेबल का 85% हमें लेना है, यानी कि जो भी मोर्टैलिटी रेट्स हमें आएगा उसका 85% यू हैव टू कंसिडर. दीज आर द सरेंडर रेट्स, दीज आर द सरेंडर रेट्स. नो सरेंडर विल हैपन ऑब्वियसली इन द लास्ट ईयर. लास्ट ईयर में कभी भी कोई सरेंडर नहीं होते. क्यों कोई सरेंडर करेगा जब उसको मेच्योरिटी बेनिफिट मिल रहा है. इनिशियल एक्सपेंस, रिन्यूअल एक्सपेंस पर एनम, इनिशियल कमीशन, रिन्यूअल कमीशन, क्लेम एक्सपेंस, रिस्क कॉम्पीट. तो दीज आर वेरी 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 सिंपल सम ऑफ प्रॉफिट टेस्टिंग. आपने इसे डिफिकल्ट सम्स इनफैक्ट किए हैं, सो इट्स अ वेरी सिंपल सम. वन सेकेंड, वेरी सिंपल सम.
ठीक है, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द डेक्रीमेंट टेबल. तो ये हमें मोर्टैलिटी दिया हुआ है, इससे क्या हम क्यू एक्स निकाल सकते हैं? यस, डी एक्स और क्यू एक्स इजीली निकाल सकते हैं हम. तो पहले पहला स्टेप हमारा वही होगा. देखो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. अब क्या होता है ना, आईआई में इनफैक्ट ऑल्सो इन आईएफओए एंड आईआई बोथ, इनफैक्ट जैसे ये पार्ट वन है, ये पार्ट टू है, यू डू ऑल द पार्ट्स इन सिंगल सिंगल शीट्स. अब इस पार्ट वन के अंदर ए बी सी वैसे अगर दिया हुआ रहता तो हम लोग एक ही शीट में करते, मतलब कि आपको एक पार्ट एक ही शीट में करना है, ए बी सी ये जो चीज है एक ही में इंक्लूड. हाँ, अगर कोई गोल सीख का समय या ऐसा है कि आप एक शीट में नहीं कर पा रही, यू कैन स्प्रेड आउट योर वर्क, आप दो शीट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. सो यहाँ पे वी हैव डेक्रीमेंट टेबल. तो ये दोनों हमें, ये दोनों कॉलम्स हमें गिवन है. सी, वी हैव लिंक्ड इट टू द मोर्टैलिटी शीट, वी हैव लिंक्ड इट टू द मोर्टैलिटी शीट. हमने वहां से सारे कॉपी पेस्ट नहीं करो कभी भी, नेवर कॉपी पेस्ट, लिंक करो. लिंक मतलब क्या, देखो इक्वल टू करके इसको सिलेक्ट किया. कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है ना, सी इफ यू कॉपी पेस्ट इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ यू नो वर्किंग विद एक्सेल. तो हमेशा ट्राई टू लिंक रादर देन कॉपी पेस्टिंग वैल्यूज. तो हमने लिंक कर दिया यहाँ पे. वंस यू हैव एल एक्स, क्यू एक्स कैसे निकलेगा? एल एक्स से कोई भी डायरेक्टली मुझे बस क्विकली अनम्यूट करके बता दो. इंटरक्टिव रखेंगे क्लास, मैं सॉल्व नहीं कर रही सम्स क्योंकि बहुत इजी है वाला स्टार्टिंग के पास. एनीवन जस्ट अनम्यूट एंड टेल. 1 माइनस एल 46 बाय एल 45. जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी इज एल 46 बाय एल 45, तो मरने का इज 1 माइनस दिस. तो देख लो, 1 माइनस करो या आप उसका पूरे का एलसीएम ले लो, इट्स द सेम थिंग. एल 45 माइनस एल 46 डिवाइड बाय एल 45, ये किया होगा यहाँ पर. क्योर इसको आप ड्रैग कर दोगे. सो दिस इज क्यू एक्स. बट हमें क्वेश्चन में क्या बोले, 85% ऑफ द बेस मोर्टैलिटी. तो हमारा डेथ का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 85% ऑफ दिस. ये देख लो, ये जो मोर्टैलिटी लिया हुआ है ना, यहाँ से लिया. तो अगर आप लोग को ऐसा बना के दे देता है इन योर एग्जाम, तो आप लोग लिंक अगेन यहाँ पे हार्ड कोडिंग नहीं कर रहे. एज इन अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली 85 लिख दोगे, सी कुछ गलत नहीं है बट इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग. तो जो हम लोग इनपुट सेल्स बनाते थे, अगर आपको इनपुट सेल्स ऑलरेडी बना के दिए हुए हैं, रीनेम भी करा हुआ है, देखो रीनेम भी करा हुआ है आपके लिए, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन. तो अगर ऐसा है तो क्यों नहीं यूज करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट डाउन. तो हम लोग उसके साथ लिंक कर दिए, इनटू मोर्टैलिटी कर दिया, राइट. सो दिस इज डेथ. सरेंडर रेट्स आर गिवन टू अस, देख लो सरेंडर योर वन. अगेन इसको भी आप क्या करोगे, डायरेक्टली देखो रीनेम क्या हुआ, सो यू यूज इट देयर डायरेक्टली. टू पॉलिसी योर टू का, एंड थ्री से लेके 24 तक आपका ये रहेगा, एंड लास्ट में आपका जीरो आएगा. देख लो, सरेंडर योर वन, सरेंडर योर टू, सरेंडर योर थ्री से लेके पूरा एंड तक, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जीरो. ठीक है, 25th हो गया. ओके, नाउ वंस यू हैव सरेंडर, नाउ सरेंडर क्वेश्चन में क्या बोले, खाली एंड ऑफ द ईयर होगा क्या सरेंडर? सरेंडर को क्या बोले, ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर. सरेंडर कैन ओनली हैपन एट द एंड ऑफ द ईयर. तो डेथ कैन हैपन पूरा थ्रू आउट द ईयर, सरेंडर विल हैपन ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर. Quickly, कोई भी अनम्यूट करके बताओ मुझे AQXD और AQXS कैसे निकालेगा quickly. मैम AQXD तो वही सेम होगा QXD. उसके बाद AQX surrender will be 1 minus AQXD into जो rate दिया surrender का. Yes. QXS. So basically, very good. So basically, पूरा साल खाली death वाला decrement लग रहा है. So dependent and independent death mortality rates are same because पूरे साल खाली एक ही decrement लग रहा है, which is death. तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, equal to this, right? And surrender कौन कर सकते हैं, जो पूरा साल जिंदा रहेंगे वही surrender कर सकते हैं. तो 1 minus AQXD multiplied by surrender rate. तो देख लो वही क्या, ठीक है, okay. So after this APX निकल जाएगा 1 minus these two करके, and
दिस इज एक्चुअली फॉर द प्रॉफिट सिग्नेचर जो हम लोग बनाते हैं. एंड देखो अभी हर एक कॉलम का मार्क्स कैसे दिया हुआ है, देखो क्यू एक्स का दिया हुआ है 1 मार्क बिकॉज ऑब्वियसली क्यू एक्स आपको निकालना था. क्यू एक्स डी का 1 मार्क दिया हुआ है, क्यू एक्स एस का कोई मार्क्स नहीं लिया इन्होंने. क्यों? क्योंकि इट्स गिवन इन द क्वेश्चन. बट अगर आप इसमें कुछ गलती करते हो तो इस कॉलम में आपका मार्क्स भले ही डिडक्ट ना हो बट फाइनल आंसर में आपका मार्क्स डिडक्ट होगा क्योंकि वो चेंज हो जाएगा. राइट, ए क्यू एक्स डी का देख लो 1 मार्क है एंड इसका 2 मार्क है. दिस इज हाउ यू गेट योर मार्क्स कॉलम वाइज. सो दैट इज वाई यू स्प्रेड द सोल्यूशन. सो दिस इज देन, ये आप लोग को ऑब्वियसली मालूम है, हम लोग इसको कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करते जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. ओके, so the unit fund cash flow for this policy is given in tab 2. already unit fund cash flow हमें निकाल के दिया हुआ है. ठीक है, calculate the profit margin. so basically हम लोग को क्या दिया हुआ है sheet 2, ये वाला चीज हम लोग को दिया हुआ है unit fund cash flows. हमें इसके बाद की सब कुछ खुद से calculate करना है. ठीक है, देख लो इस पे marks भी नहीं है क्योंकि ये हमें already calculate करके दिया हुआ है. क्लियर, एक बार क्विकली लेट्स गो थ्रू. अब देखो अगेन ये कितना अच्छा से इन्होंने भी किया है. प्रीमियम 1500 दीज आर गिवन टू अस इन द क्वेश्चन एंड देन फिर इसको ड्रैग कर दिया है. अगर आप देखो इसको सेम ले लिया, 3000 इज सेम. अब ये ब्लू कलर में क्यों है? बिकॉज दीज आर डिफरेंट वैल्यूज, दीज आर गिवन इन द क्वेश्चन. इसीलिए इसको डिमार्केट करने के लिए कि ये वैल्यूज आपके अलग से गिवन है, इसलिए इसको ऐसे ब्लू से डिमार्केट करा है. मतलब ब्लू मतलब कि सी आप अपने पूरे स्प्रेडशीट में, अभी सी एम एन में उतना नेसेसरी नहीं है ये चीज, बट व्हेन यू मेक अ स्प्रेडशीट तो उसमें क्या होता है ना, यू डिमार्केट, यू हाईलाइट दोज एरियाज विच आर डिफरेंट इन दैट पर्टिकुलर कॉलम, या फिर दीज आर समथिंग विच आर इनपुट्स मेड बाय यू. तो इसीलिए इसको हमने अलग से डिमार्केट करा हुआ है. अगर आप नहीं करते हो इट्स फाइन. सो ये सारा अगेन एलोकेशन परसेंटेज इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. ठीक है, वैल्यू ऑफ यूनिट्स एट द स्टार्ट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे तो जीरो रहेगा. एलोकेशन कैसे निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बिड ऑफ अ स्प्रेड. बिड ऑफ अ स्प्रेड निकाल लिया है, देख लो. अब यहाँ पे दे हैव टेकन यहीं पे नेगेटिव. अगर आप नेगेटिव यहाँ नहीं लेना चाहते हो इट्स योर, इट्स अप टू यू, बट दिस इज व्हाट दे हैव गिवन टू यू. तो एग्जाम में अगर आप लोग को यूनिट फंड टेबल बना के दे देते हैं कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेप्चुअली आपको आना चाहिए. आप रट के जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि कॉपी में अगर आप अलग तरीके से करते हो तो आप रट के मत जाओ कोई चीज को. हम कैसे निकालते हैं, हम एलोकेशन इनटू 1 माइनस बिड ऑफ अ स्प्रेड करते हैं. राइट, तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला चीज किया हुआ है, 6% से कैलकुलेट किया हुआ है बिड ऑफ अ स्प्रेड, देख लो. ठीक है, देन वी हैव द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करा हुआ है देखो. सो बेसिकली वैल्यू एट द स्टार्ट, एक जो लेते हो ना वैल्यू एट द स्टार्ट, उसमें इन दोनों को आप ऐड करते हो. यहाँ पे इन्होंने अलग अलग से दिखाया, राइट, प्लस आपका बिड ऑफ अ स्प्रेड एंड देन यूनिट. तो एग्जाम में अगर ये टेबल आता है बना के दे दिया, जैसे कि क्यों कंफ्यूज हुए थे स्टूडेंट्स, बिकॉज उन्होंने जब इसको डिटेल्स में देखा तो उन्होंने किया अलग तरीके से था, इवन इन द थ्योरी एंड इन एक्सेल ऑल्सो. बट जब उन्होंने देखा कि IFO ने अलग तरीके से किया है, सो दे गॉट कंफ्यूज कि मे बी कुछ अलग किया है उन्होंने यूनिट फंड में, बट कुछ अलग नहीं किया. इट्स द सेम थिंग, इट्स द सेम थिंग. आप कैसे निकालते हो कॉस्ट ऑफ एलोकेशन, यहाँ पे जो आप निकालते हो एलोकेशन प्रीमियम एलोकेटेड कैसे निकालते हैं, प्रीमियम इनटू एलोकेशन इनटू बिड ऑफ स्प्रेड का भी कॉलम बनता है एंड देन यू एडेड. सो वही चीज किया है इन्होंने यहाँ पर, जिस दैट कि हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए यू नो ऐसा होता है. बट इट्स द सेम थिंग, प्रीमियम इनटू एलोकेशन रेट इनटू 1 माइनस बिड ऑफ स्प्रेड. Instead of showing that 1 minus bid offer spread, इन्होंने अलग से bid offer spread को ले लिया and then इधर पे minus कर दिया. यहाँ पे किसी को कोई doubt है एक बार पूछ लो please. I want all of you to switch on your cameras. Don't let me you know say it again and again. Please on कर लो. तो ये हो गया हमारा and then इसमें unit growth rate multiply कर दिया है. AMC हमें given था 1% का, AMC charge हो गया, देख लो. Again if you see कैसे चार्ज किया है एएमसी इन्होंने, तो यहाँ पे दिस एंटायर सम, ये क्या है, ये पूरा जो है दिस इज नथिंग बट प्रीमियम इनटू एलोकेशन रेट इनटू 1 माइनस बिड ऑफ स्प्रेड, जो आप कॉपी में करते हो वही चीज करा है इन्होंने, प्लस इंटरेस्ट एंड देन उस पर हमने बिड ऑफ स्प्रेड लगाया है एंड देन वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर. थोड़ा डिफरेंट है टू व्हाट यू डू नॉर्मली,
इसीलिए मेनी पीपल एक्चुअली गॉट कंफ्यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन अदरवाइज इट वॉज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन राइट सो दिस इज वैल्यू तो ये आप लोगों को पूरा बना के दे दिया अब आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन निकालने को यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है ऐसा एग्जाम में हो सकता है आप जो एक स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करते हो उससे थोड़ा डिफरेंट वे में दे डू द सेम थिंग बट कंफ्यूज मत होना दे हैव एक्चुअली डन द सेम थिंग तो डू इट कॉन्सेप्चुअली ठीक है कि कॉन्सेप्ट वाइज समझने जाओगे तो सेम चीज करे जिसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट नथिंग एल्स राइट तो इसके बाद डेक्रीमेंट टेबल यहाँ पे इन्होंने ले लिया है वी विल जस्ट नीड AQXD एंड APX आप अगर यहाँ पे नहीं अलग से लेते हो इट्स द सेम थिंग आप यहाँ से डायरेक्टली शीट वन से रेफर कर लेना कोई दिक्कत नहीं है नाउ वी कंस्ट्रक्ट द नॉन यूनिट फंड कैश फ्लोस पूरा इसमें अगेन अनएलोकेटेड प्रीमियम अनएलोकेटेड प्रीमियम कैसे निकालते हैं प्रीमियम माइनस द एलोकेशन ठीक है यहाँ पे बिड ऑफर स्प्रेड को देखो प्लस किया होगा बिड ऑफर स्प्रेड देखो प्लस किया क्योंकि इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग ना बिड ऑफर स्प्रेड हम क्या करते हैं अगर आप मैंने वापस से सेम चीज ही रिपीट करी प्रीमियम इंटू एलोकेशन रेट इंटू वन माइनस बिड ऑफर स्प्रेड लेते हैं हम यूनिट फंड में नॉन यूनिट फंड में आप क्या लेते हो प्रीमियम माइनस दिस एंटायर थिंग तो आपका नेट इफेक्ट क्या आता है आपका अगर आप नॉन यूनिट फंड में देखो नेट इफेक्ट क्या आता है प्रीमियम माइनस कॉस्ट ऑफ एलोकेशन प्लस बिड ऑफर स्प्रेड दिस इज द एंटायर थिंग विच कम्स इनटू नॉन यूनिट फंड अगर आप ब्रेक डाउन करो ठीक है दैट इज व्हाट यू आर डूइंग यहाँ पे अनएलोकेटेड प्रीमियम एंड बिड ऑफर स्प्रेड फिर आपके सारे कमीशन एक्सपेंसेस आ गए देख लो अगेन इन्होंने अलग अलग दिखाया है अगर आप सेम कॉलम में क्योंकि देखो पूरे का टू मार्क्स है इस पूरे का टू मार्क्स है सो इवन इफ यू शो इट इन वन लाइक कमीशन का एक कॉलम बनाओगे और एक्सपेंस का एक कॉलम बनाओगे चलेगा मतलब बट आपको हाईलाइट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सेल या तो इसको कुछ कलर कर दो या दूसरा रेड कभी मत यूज करना तो एक ही अगर आप सेल जो हम लोग जनरली एक ही कॉलम बनाते हैं अगर आप वो भी बनाओगे तो चलेगा इन द एग्जाम दिस इज ऑल आई एम सेइंग ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है आपके आंसर्स को राइट एक्सपेंसेस मैंने बता दी बहुत सिंपल है दिए हुए थे नाउ इंटरेस्ट हाउ डू यू कैलकुलेट अब इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली माइनस माइनस का साइन दिया अगर आप अगेन नहीं करना चाहते हो इट्स एंटायरली अप टू यू सो अनएलोकेटेड प्लस बिट ऑफ स्प्रेड माइनस ऑल एक्सपेंसेस एंड कमीशन इनटू द इंटरेस्ट रेट जो हमें नॉन यूनिट फंड इंटरेस्ट रेट गिवन है वो ले लेंगे मैनेजमेंट चार्ज यूनिट फंड में लिया हुआ है उसको यहाँ पे प्लस करके ले लेंगे देन वी हैव एक्स्ट्रा डेट कॉस्ट अब एक्स्ट्रा डेट कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग मैक्सिमम ऑफ 1 लाख और द यूनिट फंड अक्यूमुलेटेड यूनिट फंड मल्टीप्लाइड बाय AQXD राइट तो देखो वही किया हुआ है मैक्सिमम ऑफ 1 लाख माइनस यूनिट फंड और 0 मल्टीप्लाइड बाय AQXD दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड डेथ एक्स्ट्रा डेथ कॉस्ट सरेंडर कॉस्ट सरेंडर कॉस्ट देखो यहाँ पे जीरो क्यों सरेंडर बेनिफिट यहाँ पे जीरो क्यों आ रहे हैं क्योंकि अभी करंटली कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप देखो यहाँ पे सरेंडर बेनिफिट क्यों जीरो है तो बता सकते हैं मुझे बहुत सिंपल है सबका कैमरा ऑफ हो गया धीरे धीरे करके आई डोंट नो व्हाई आप लोगों को कोई नहीं देख रहा एक्सेप्ट मी एंड अगर मैं नहीं देख रही आई विल नॉट टेक योर जिसका मैं हमजा नो यू हैव टू स्विच ऑन योर कैमरा फर्स्ट एनीवन एल्स सरेंडर रेट क्यों हां सरेंडर बेनिफिट जीरो इस कारण है क्योंकि जितना यूनिट फंड में होगा उतना ही दे देंगे बाकी और कुछ एशो कोर्स करेक्ट तो जितना यूनिट फंड में अक्यूमुलेट हुआ है उतना ही हमें देना है तो एक्स्ट्रा कुछ स्ट्रेन हमें नहीं पड़ रहा हम पे एक्स्ट्रा कुछ स्ट्रेन हम पे नहीं पड़ रहा करेक्ट इसीलिए ये सारा कॉन्सेप्ट्स पे मैं बार बार क्यों फोकस करती हूँ बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दीज क्वेश्चंस करेक्ट है सिमिलरली मैच्योरिटी के लिए भी लिया है क्या कहीं पे मैच्योरिटी बेनिफिट लिया है क्या देख लो जीरो इधर क्यों नहीं लिया मैच्योरिटी के लिए क्यों नहीं लिया मैच्योरिटी के लिए बताना सेम लॉजिक है ना सेम लॉजिक क्योंकि बेट हम लोग जितना यूनिट फंड है एक्स्ट्रा स्ट्रेन मेरे पे कुछ नहीं पड़ रहा दैट इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ नेक्स्ट क्लेम एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन था क्लेम एक्सपेंस कैसे निकालते हैं दैट
मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 माइनस N8। अच्छा 1 माइनस N8 क्यों कर रहे हैं कोई बता सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे डेथ और सरेंडर दोनों में क्लेम एक्सपेंस होता है। देखो समझो, यहाँ पे क्लेम एक्सपेंस जो दिया हुआ है ना, फॉर ऑल क्लेम टाइप्स लिखा हुआ है। फॉर ऑल क्लेम टाइप्स मतलब कि डेथ में भी आपको पे करना है एंड आपको सरेंडर में भी पे करना है, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? ठीक है, कोई भी डाउट? क्यू वन माइनस एपीएक्स किया है, ये मिस्टेक अगेन सबको होता है। देख लो कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। सरेंडर बेनिफिट 0 है बट देख लो कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। यस शिवम मैम, तो क्लेम एक्सपेंस तो अपने दो मंथ्स ऐसे करेंगे ना, इनटू 5 और इनटू 5 टू टाइम्स करेंगे ना, दो बार लेना होगा, तो फिर 1 माइनस क्यों किया? मतलब समझा नहीं, दो बार लेना होगा कैसे? मींस क्लेम एक्सपेंस अपने सरेंडर पे भी देंगे एंड वो डेथ पे भी देंगे, तो फिर 0.5 इनटू 0.5 करना चाहिए ना, 0.5 इनटू 0.5। 0.5 कहां से आ रहे हैं? वो 50 है क्या? मींस तो 50 × 50 करेंगे ना फिर। 50 × 50 क्यों करेंगे? तुम डेथ और सरेंडर दोनों थोड़ी कर सकते हैं, एक ही चीज कर सकते हैं ना। तो 1 − 50 किए ना हम लोग। 1 − 50 नहीं किए हैं, 50 × 1 − APX किए हैं। ओह ठीक है मैम, ठीक है। 1 − APX करने का क्या मतलब है? या तो डेथ हुआ है या तो सरेंडर हुआ है। है ना, तो दोनों में से कुछ भी एक होने से यू पे द क्लेम एक्सपेंस आल्सो। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, इट इज डिफरेंट, नहीं क्यों लिख दिया इधर, हाँ ये वाला देखो, ये वाला वैल्यू में खाली 50 लिया इधर। ये 50 क्यों लिया इधर खाली? क्योंकि इधर तो श्योर क्लेम एक्सपेंस लगेगा ना लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर में वो मरेगा या मेच्योरिटी होगा, तो एनीवे मुझे क्लेम एक्सपेंस पे करना ही है। तो ये सेल हाईलाइट हो जाएगा। अब ये देख लो कमेंट, आप लोग जो बोलते ना कमेंट कहाँ डालना चाहिए, अभी पूरे कॉलम के लास्ट में ऐसा डिफरेंट वैल्यू है? ऑब्वियसली एग्जामिनर अगर नहीं ध्यान दे तो कमेंट पे तो ध्यान देगा, अगर वो स्क्रोल डाउन नहीं करे नीचे फॉर एग्जाम्पल, खाली वर्स्ट वैल्यू देख के छोड़ दे, तो ताकि एग्जामिनर को देखे यहाँ पे कमेंट दिया हुआ है एक्चुअली ये सेल नंबर गलत है, दिस सेल नंबर शुड हैव बीन, इसको AA लिखना चाहिए। सो AA32 इज डिफरेंट टू अलाउ फॉर द क्लेम एक्सपेंस ऑन डेथ एंड मैच्योरिटी बोथ। तो यहाँ पे एनीवे इन द लास्ट ईयर शॉर्ट क्लेम एक्सपेंस तो लगेगा, या तो वो इंसान मरेगा या तो इंसान जिंदा रहेगा, मुझे क्लेम एक्सपेंस तो पे करना ही है, तो 50 यहाँ पे शॉर्ट लगेगा। बताओ किसी को भी कंफ्यूजन हो रहा है इधर? सरेंडर बेनिफिट देखो 0 है पर मार्क्स देखो कितना मिला, 2 इस पूरे कॉलम को। हाँ बोलो पूछो दिव्यांश। मैम अगर अपन इसमें सरेंडर बेनिफिट का कॉलम नहीं बनाते तो मार्क्स डिडक्ट होंगे? हाँ बनाना पड़ेगा, इसमें मैच्योरिटी का भी बनाना चाहिए, इन्होंने नहीं बनाया पर मैच्योरिटी का भी बनाना चाहिए। आप देखना हम लोग हमेशा बनाते हैं जनरली, मतलब अगर 0 है तब भी अपन को एग्जाम में तो बनाना ही है, दोनों दिखाना है ना कि 0 है। व्हाट इफ नेक्स्ट पार्ट में कुछ ऐसा दे दे जहां पे हमें कुछ 0 के जगह रिप्लेस करना पड़े, इट्स बेटर कि बना दो। यस अश्वर पूछो। चलेगा, बिट ऑफ अ स्प्रेड का अगर तुम नहीं बनाना चाहते बट यहाँ पे क्यों बनाया है इन्होंने, क्योंकि यूनिट फंड वाले में बनाया हुआ है, से यूनिट फंड में बिट ऑफ का बनाया हुआ है ना, तो इसीलिए इन्होंने नॉन यूनिट में भी बना दिए, तो ये इसीलिए इसका 1 मार्क मिला है बिट ऑफ अ स्प्रेड का। बट अगर नहीं बनाया होता यूनिट फंड में और यहाँ नहीं बनाते तो चलता, कोई दिक्कत नहीं, बट वो दिखाना पड़ेगा अलग से, वो ऑब्वियसली वो तो दिखाओगे
वन माइनस बिड ऑफर्स पे करूंगा। यस अश्वर्य मैम, अगर हम ये जो क्लेम एक्सपेंस है वो डेट के साथ डाल दे तो डेट बेनिफिट के साथ? मैंने ये हर बार बोला है, कभी नहीं करने। मैंने ये बहुत बारी क्लास में बोला है कि स्प्रेड करो अपने वर्क को, ठीक है? तो ये मैंने हर बार बताया है क्लास में कि जितना स्प्रेड हो स्प्रेड ही करना है। ओके, सो प्रॉफिट वेक्टर देख लो। प्रॉफिट वेक्टर इज सिंपल, सबको प्लस माइनस करते हैं। इन्होंने सम ले लिया डायरेक्टली क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी नेगेटिव कैश फ्लोस को माइनस करके दिखाया। ये जरूरी नहीं है कि नेगेटिव करके दिखाओ, ठीक है? डाली अपील, बट याद रखो स्प्रेड आउट करने क्लेम एक्सपेंस में लास्ट में 50 है। क्यों 50 है? क्योंकि आइदर डेथ और मैच्योरिटी 50 पे करना ही है। और यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल क्लेम टाइप्स। दिस इज द रीजन कि हमने यहाँ पे क्लेम एक्सपेंस को AQX D से नहीं मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस APX से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉफिट वेक्टर आ गया, प्रोबेबिलिटी इन फोर्स निकाल लेंगे APX वाले कॉलम से, प्रॉफिट सिग्नेचर डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये सारा आई होप सब कुछ क्लियर है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रीमियम निकल जाएगा। And then we have the profit margin, which is nothing but your हाँ बोलो मैम, ये premium signature लिखा है यहाँ पर। अरे वैसे profit signature क्या होता है? profit को जब multiply करते हो 1 minus 1 वो पूरा, मतलब इससे पूरा multiply करते हो probability in force से, वैसे ही premium signature हो गया जब आप premium को multiply कर रहे हो probability in force। okay मैम, ठीक है। तो ये हो गया, वंस यू हैव द प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन, पूरा इसका 20 मार्क्स मिल रहा है। ट्रस्ट मी, अगर आप लोग अच्छे से किया हुआ है दिस एंटायर टेबल, आप लोग को ये तो कंस्ट्रक्ट करना ही नहीं था ना, आप लोग को ये तो कंस्ट्रक्ट करना ही नहीं था, यूनिट फंड तो कंस्ट्रक्ट करना ही नहीं था, ये भी हमें अलग से कुछ बनाना नहीं था। अगर आप यहाँ पे लिंक कर रहे हो सेल्स को, नो प्रॉब्लम, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ तक तो कुछ था ही नहीं, मेन तो आपको ये बनाना था, ये बनाना। इसमें अगर आपका अच्छे से किया हुआ, इट नॉट टेक मोर देन 15 मिनट्स, मैक्सिमम 15 मिनट्स टू डू दिस एंटायर सम एंड गेट द प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमम। क्योंकि करना क्या है, एक एक फॉर्मूला डालना है और ड्रैग करना है, दैट्स इट। 15 minutes is maximum, I'm saying. And अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, इस टर्म के स्टूडेंट्स भी जो थे जिन्होंने दिया था, that was the very first term जब Excel का एग्जाम हुआ था, उस टाइम भी ऑलमोस्ट मेनी स्टूडेंट्स कुड कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। AWP में अटके थे बट दे कुड कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। तो जिन्होंने अभी तक, जिनको लग रहा है जिन्होंने अभी तक भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करा है, प्लीज Now is the time to us everyday Excel practice करना है। Past papers are very 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 important. Mock papers are very, last time तो पूरे mock papers आया था questions. Mock papers and past papers are very 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 important. Trust me for Excel, right? तो ये हो गया। लेट्स कम टू योर थर्ड पार्ट व्हिच इज द AWP पार्ट, जिसके हम पूरा सम डिस्कस कर रहे थे। मैंने जानबूझ के एक्चुअली पूरा सम डिस्कस करवाया। यस इशिका, मैम इन केस हमें नहीं समझ में आता है जो यूनिट फंड टेबल दिया हुआ है, तो कैन वी कंस्ट्रक्ट आवर ओन यूनिट फंड टेबल एंड उसके बाद वी कैन यूज द वैल्यू क्रिएट द नॉन। एक सेकंड म्यूट करो। इफ दिस इज एंटायरली गिवन टू यू, Why will you waste your crucial time and exam to construct your own table? Stupidity है। मतलब आपके पास पूरा दिन थोड़ी है exam के लिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ concept clear रखो। नहीं, अगर आपको exam में नहीं समझ आ रहे ना, मतलब आपको पूरा sum ही नहीं समझ में आएगा। कुछ नहीं था इसमें समझने का, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप अगर IFO से दे रहे हो, you have this liberty to open your profit testing का table and just look at it. अगर आपको ये टेबल एग्जाम में नहीं समझ आ रहे, आपसे सम नहीं बनेगा, आप छोड़ो। एकदम फ्रैंकली बोल रही हूँ, क्योंकि इस टेबल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
खाली बस एक दो चीज थोड़ा डिफरेंट कर दिया तो इसीलिए डर लगता है। क्यों डर लग रहा है? आप क्या करते हो अपने नॉर्मली यूनिट फंड में? प्रीमियम इनटू एलोकेशन इनटू वन माइनस बिड ऑफर स्प्रेड करते हैं कि नहीं? करते हैं ना, वही किया है हमने। प्रीमियम इनटू एलोकेशन रेट यहाँ किया है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वन माइनस एलोकेशन वाला, इन्होंने यहाँ पे बिड ऑफ स्प्रेड का अलग से कॉलम बना लिया है। बिड ऑफ स्प्रेड के अलग से कॉलम बना लिए, बाद में माइनस किया है, एंड बाद में इन दोनों को माइनस किया है। हम लोग एक ही कॉलम बना देते हैं, इन्होंने दो कॉलम बनाया। अगर तुम इसको कंस्ट्रक्ट करने लग जाओ, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। मैंने बोला था कि जो सपोज, हाँ ये हो सकता था कि आप लोग को ये कॉलम हेडिंग्स गिवन है इन एग्जाम, अंदर का कुछ नहीं किया हुआ है, ये बना हुआ है, इसको हटा के खुद का बना सकते हो। बट जो ऑलरेडी पूरा पूरा टेबल गिवन है वो आप कैसे चेंज कर सकते हो? दिस इज गिवन टू यू, हाउ कैन यू चेंज दिस इन एग्जाम? एंड इफ यू चेंजिंग इट, इट्स द लाइक ग्रेटेस्ट स्टूपिडिटी यू आर डूइंग इन एग्जाम। पूरा टाइम चला जाएगा इसमें, फिर 10 मिनट्स और, 20 मार्क्स दिए क्यों है? फिर 30 मार्क्स देते ना, यूनिट फ्रॉम भी बनाना होता तो। यस हमजा, हाँ मैम, मेरा वो डाउट था कि अगर जैसे लाइक कितने मार्क्स लगेंगे अगर यूनिट फंड और नॉन यूनिट फंड दोनों बनाने के लिए वो लगे तो। देख, और मे बी 5 to 5 मार्क्स और आई थिंक इस टेबल का 5 मार्क्स ही होता है, यूनिट फंड का 5 मार्क्स से ज्यादा नहीं होता। 5 to 6 मैक्सिमम, सो मे बी 25 to 26 मार्क्स हो जाता अगर पूरा ये शीट कंस्ट्रक्ट करना होता तो, 26 मार्क्स का समझ लो। बिकॉज इस टेबल में है क्या, ये दोनों कॉलम का मार्क्स है, प्रीमियम इज समथिंग विच इज गिवन, उसका कोई मार्क्स नहीं है, इंटरेस्ट का मे बी 1 मार्क, एएमसी का 1 मार्क, एंड इसका 1 मार्क, इसका मे बी 1 मार्क, एंड इसका मे बी 2 मार्क्स दे दे, इसका मे बी 1 मार्क। तो वैसे करके समझ लो 5 to 6 मार्क्स हो जाएगा पूरा, तो 25 to 26 मार्क्स पूरे इसका। तो दैट टाइम विच यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग यहाँ पे, यू आर लूजिंग आउट समवेयर एल्स। इट्स बेटर क्विकली यू अंडरस्टैंड द एंटायर लॉजिक, एंड अगर नहीं भी समझ में आए ना ऐशिका, ट्रस्ट करो इंस्टीट्यूट को कि इन्होंने सही किया है। देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये हमारा यूनिट फंड वैल्यू एट द एंड है, ये चीज समझ में आएगा एग्जाम में? अब अगर ये भी नहीं आ रहा है तो वर्स्ट केस सिनेरियो, तब तो कुछ भी नहीं आता, ये समझ में आएगा। उसके बाद एएमसी है, ये समझ में आएगा। और क्या चाहिए हमें? बिड ऑफर स्प्रेड है। अब तुम बोलोगे कि बिड ऑफर स्प्रेड हमें यहाँ पे प्लस करना था, ये तो पता ही नहीं है। अब ये तो भाई, ये तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका गलत है अगर आपको ये नहीं मालूम। तो अनएलोकेटेड प्रीमियम होता है और एक होता है बिड ऑफर स्प्रेड। बिड ऑफर स्प्रेड यहाँ पे माइनस होता है। देखो क्विकली समझाती हूँ, प्रीमियम होता है हमें, सपोज सपोज ऐश्वर्या मेरी पॉलिसी होल्डर है, आई एम द इंश्योरेंस कंपनी, ऐश्वर्या इज पेइंग मी 100 रुपीज प्रीमियम। उस प्रीमियम में से 70% में फंड्स को एलोकेट कर रही हूँ, 30% आई एम कीपिंग। सो एलोकेटेड वाला में क्या चला गया, 100 into 70%, ठीक है? ठीक है, एंड बाकी 30% कहाँ चला गया, अलग से इधर अनएलोकेटेड प्रीमियम। देख लो, प्रीमियम माइनस एलोकेशन यहाँ आ गया। अब क्या होता है ना, जो फंड एलोकेट हो रहे, समझ लो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 70 रुपीज एलोकेट हो रहे हैं, 70% था, 70 रुपीज एलोकेट हो रहे हैं। आउट ऑफ दैट एलोकेशन एक बिट ऑफ स्प्रेड है। बिट ऑफ स्प्रेड क्या होता है ना, मतलब इट्स बेसिकली, मैं डिटेल्स में नहीं समझाऊंगी, इट्स द प्राइस यू पे फॉर इन्वेस्टिंग समवेयर, ऐसे समझो खाली एकदम सिंपल भाषा में, इट्स द प्राइस यू पे फॉर इन्वेस्टिंग। तो अभी ऐश्वर्या का 70 रुपीज आई एम इन्वेस्टिंग इन अ फंड गोल्ड में, फॉर एग्जाम्पल आई एम इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, उसका मुझे प्राइस पे करना पड़ेगा, दैट इज बिड ऑफ स्प्रेड। अब वो प्राइस क्या होता है ना, वो थोड़ा टेक्निकल हो गया, वो पर्च बाइंग एंड सेलिंग का जो डिफरेंस होता है उसमें एक प्राइस पे करते हैं, वो प्राइस को माइनस करेंगे 70 रुपीज में से, दैट इज योर बिड ऑफ स्प्रेड। तो 70 into 6%, 70 रुपीज into 6% इज द बिड ऑफ स्प्रेड। अब ये एलोकेशन माइनस बिड ऑफ स्प्रेड जो होता है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तभी इन दोनों का सम किया है। इन दोनों का सम क्यों किया, तो ये माइनस हो गया ना ऑटोमेटिकली। अब ये तो यूनिट फंड एट द स्टार्ट है, ये तो हम लोग इसको इधर ले जाएंगे, वो तो कुछ नहीं है, समझ में? बिड ऑफ स्प्रेड। अब ये जो 6% किया ना, 70 का 6%, ये मेरा इनकम है इंश्योरेंस कंपनी का, तो ये इधर आ जाएगा, प्लस हो गया। क्लियर है अभी?
ऐश्वर्या ने मुझे 100 रुपीज दिया, उसमें से एलोकेशन था 70% का, 30% मेरे पास अनएलोकेटेड प्रीमियम बचा। अब 70 रुपीज का 6% बिड ऑफर स्प्रेड जो है वो भी उसमें से कट जाएगा और वो मुझे मिलेगा। वो क्यों होता है ना, उसका टेक्निकलिटी आप लोग के सिलेबस में है, वो बाइंग सेलिंग का डिफरेंस होता है। मतलब वो 70 रुपीज में से भी तो मुझे परचेज करना है तो कुछ कटता है मार्जिन, वो वहां से डिडक्ट होगा, वो मुझे मिलेगा कंपनी को। एंड कंपनी का भी वो प्रॉफिट आप बोल भी सकते हो, बट वो कंपनी अपने पास रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर शेयर्स में डील करते हो ब्रोकरेज लगते हैं, इट्स काइंड ऑफ दैट। तो अगर कंपनी 70 रुपीज में से फंड खरीद रहा है, सपोज 70 रुपीज का कोई एक शेयर में इन्वेस्ट कर दिया मैंने ऐश्वर्या का मैंने, तो वो जो ब्रोकरेज उस समय लगेगा बाइंग के समय और सेलिंग के समय, जब वो सपोज सरेंडर करेगी या जो भी, तो उस समय तो वो दोनों मिला के बिड ऑफर स्प्रेड मैं क्यों, मैं अपने पॉकेट से क्यों भरूंगी बिड ऑफर स्प्रेड, करेक्ट है? तो वो मेरे लिए प्लस होगा, उसके लिए माइनस होगा। क्लियर एवरीथिंग? एवरीथिंग क्लियर? वेरी चलो। सो ये हो गया, अभी इशू का क्लियर है, अब समझ में आ जाएगा टीम। जनरली आई हैव सीन बिड ऑफर स्प्रेड में कंफ्यूजन होता है, क्लियर है? ये वाला एग्जाम्पल याद रखना, अगर तुम लोग को बना के रखना है कहीं पे 170-30 वाला, ये बना के रखो। ओके चलो नेक्स्ट। द कंपनी इज कंसिडरिंग मेकिंग एन AWP वर्जन अवेलेबल एज एन, अब AWP अक्यूमुलेटिंग विथ प्रॉफिट। अभी तक क्या था? यूनिट फंड था। मतलब ऐश्वर्या मेरे को एवरी मंथ 100 रुपीज दे रही है, मैं उसको फंड में एलोकेट कर रही हूँ, एलोकेट कर रही हूँ, एलोकेट कर रही हूँ, ठीक है? वो उसका ग्रो कर रहे हैं यूनिट फंड के जैसे, वो ग्रो कर रहे हैं, वो उसको मैं एज ए सरेंडर या जब भी मैच्योर होगा तब मैं पे करूंगी। अब यहाँ क्या हो रहा है AWP में, इसमें देखो थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है। अंडर AWP वर्जन ऑल प्रीमियम्स आर पेड इनटू द अकाउंट रादर देन बीइंग एलोकेटेड टू यूनिट्स। तो यहाँ वो यूनिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, इट्स बीइंग पेड इनटू एन अकाउंट, द अकाउंट ग्रोज एट अ बोनस इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर्ड एनुअली बाय द कंपनी। ये अब क्या हो गया ना, जो आप लोग आई थिंक आप लोग का बुकलेट 5 है वो, जहाँ पे आप लोग बोनस कैलकुलेशन और वो सारा जो करते हो, एकदम सिंपल जो था ना प्रीमियम कैलकुलेशन वाला कॉन्सेप्ट चैप्टर है, जहाँ पे पूरा बड़ा बड़ा सम है प्रीमियम कैलकुलेशन का, उसमें क्या था रिवर्जनरी बोनस, टर्मिनल बोनस। तो यहाँ पे 100 रुपीज जो ऐश्वर्या मुझे एवरी मंथ दे रही है उसको यूनिट में नहीं एलोकेट करके मैं एक अकाउंट में डाल रही हूँ, वो अकाउंट अब कैसे ग्रो करेगा? बोनस के थ्रू ग्रो करेगा। And bonus is on my discretion. Accumulating with profit, with profit, without profit, आपने किया है ना products, same thing you are doing in this case. मतलब profit testing table है ये, it's not ULIP, unit linked products होते हैं ना, it's not ULIP, it's a profit testing table, wherein your funds are accumulating with profits. So, जो आपने आपने पहले प्रॉफिट टेस्टिंग सर ने कराया होगा एक सिंपल सम, फिर सर ने यूलिप करवाया होगा यूनिट फंड नॉन यूनिट फंड, दो चीज कराया ना सर ने, तो वो जो प्रॉफिट टेस्टिंग करवाया था सर ने, ये वही है जो बेसिक प्रॉफिट टेस्टिंग है, ये वही है। बस वहां पे इट वॉज जस्ट गोइंग ग्रोइंग थ्रू एन इंटरेस्ट प्रीमियम माइनस एक्सपेंस माइनस कमीशन, इट वॉज ग्रोइंग थ्रू इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे इट विल ऑल्सो ग्रो थ्रू बोनसेस, करेक्ट है? Okay, so the terminal bonus is added to the account to give the total benefit payable on maturity on or death. So, terminal bonus bhi hai. The benefit on surrender is the value of the AWP account. Agar surrender kar rahe hai insaan, to AWP account mein jitna ka accumulation hai, utna pay kar denge. Jaise wahan pe unit fund tha, yahan pe unit fund ke badle AWP. No terminal bonus is added on surrender. Agar koi surrender kar rahe hai, to usme koi terminal bonus nahi milega. Jitna AWP अकाउंट में अक्यूमुलेट हुआ है उतना मिल जाएगा। टर्मिनल बोनस कब कैलकुलेट होता है? जब इंसान का डेथ हो रहा है या मैच्योरिटी हो रही है, ठीक है? द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू पे एन एनुअल बोनस ऑफ, तो ये रिवर्जनरी बोनस के जैसा हो गया, 2% पर एनम पे करेगा कंपनी। ऑल अदर प्रॉफिट टेस्टिंग अजम्पशंस एंड पॉलिसी कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड। तो पहला शीट में जो दिया हुआ है सेम एज दैट, यू मे इग्नोर रिजर्व्स, रिजर्व्स बनाने का जरूरत नहीं है। Calculate, देख लो 23 marks के। The sole reason this question was of 23 marks because it was difficult. Question बहुत छोटा है, solution बहुत छोटा है, but sole reason था कि ये difficult sum था। अब हर paper में
15 टू 20 मार्क्स का ऐसा डेफिनेटली सम आएगा जहां आपको वो देख के लगेगा एक नया सम है जो आपने पहले कभी नहीं करे, जहां पे आपको पूरा अपना थिंक मतलब माइंडसेट आपको यूज, कॉन्सेप्ट आपको यूज करने, बोथ इन पेपर ए एंड बी. 100% पेपर कभी किसी का देख के देखा हुआ नहीं आता. 20-25 मार्क्स के अराउंड ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो एकदम नए होंगे, जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा, एंड दोज आर द हायर ऑर्डर स्किल्स क्वेश्चन विच विल एक्चुअली जज योर स्किल्स उस समय. ठीक है, ओके. सो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टर्मिनल बोनस द कंपनी शुड एक्सपेक्ट टू डिक्लेयर फॉर द AWB ऑप्शन इन ऑर्डर टू गिव द सेम प्रॉफिट मार्जिन आंसर यूनिट. तो वो टर्मिनल बोनस का परसेंट भी आप कैलकुलेट, तो उसको एक बार के लिए कुछ भी रखेंगे एंड गोल सीख से प्रॉफिट मार्जिन को सेम करके देखेंगे कि वो कितना आ रहा है. ठीक है, धीरे धीरे समझते हैं. इट्स इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट. मैं इसको करूंगी नहीं, मैं आप लोग को समझाऊंगी एक एक करके. तो सबसे पहले डेक्रीमेंट टेबल, चलो ले लिया डेक्रीमेंट टेबल, सेम है. सो डेक्रीमेंट टेबल देख लो, एग्जैक्टली सेम ले लिया हमने यहाँ पर. नाउ यहाँ देखो कितना ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्ट किया हुआ है. पहले तो आपका AWP फंड, जैसे वहां पे यूनिट फंड अक्यूमुलेट हो रहा था, यहाँ यूनिट्स कुछ नहीं है, यहाँ इज द एक्चुअल फंड जो अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं मेरा. अब क्या हो रहा है, ऐश्वर्या अभी 100 रुपीज देंगे, वो 100 रुपीज फंड में जा रहा है. नेक्स्ट ईयर अगेन शी इज पेइंग 100 फंड में जा रहा है, बट एवरी ईयर बोनस इज ऑल्सो एडिंग. That account is known as the accumulated with profit funds account. वो पूरा construct करना है हमें. कैसे construct करेंगे? तो policy और one से लेके 25 जाएगा. Starting of the year, जब ऐश्वर्या मुझे कुछ pay कर रही है, तो starting तब तो कुछ value है नहीं fund का, तो zero लिया है हमने. Then she is paying me a premium amount. ठीक है? इस premium amount पे interest calculate हो रहा है. अभी इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट है देख लो, ये 2% है. ये 2% कहां से आया, ये 2% कहां से आया, एक सेकंड, ये 2% कहां से आया कौन बताएगा मुझे? बहुत सिंपल है, इट्स नॉट एन इंटरेस्ट, इट्स अ बोनस. 2% का रिवर्शनरी बोनस था. मैंने क्या बोला, ये सिंपल प्रॉफिट टेस्टिंग का ही सम है, खाली यहां पे अक्यूमुलेशन कैसे हो रहा है, बोनस के थ्रू हो रहा है. करेक्ट है, तो ये 2% वो है. यहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट लिख दिया, अगर आप बोनस लिखोगे तो आप बोनस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सो दिस इज द इंटरेस्ट. ये ऑब्वियसली प्रीमियम, अभी वो होता क्या, मुझे ऐश्वर्या 100 रुपीज अभी दे रही है, फर्स्ट ईयर उस पर 2% मिलेगा. नेक्स्ट ईयर कितना अमाउंट हुआ, 102 हुआ, 102 प्लस 100 शी इज गिविंग मी मोर, 202, अब उस पर पूरा 2% का बोनस मिलेगा. ये होता है ना रिवर्शनरी कंपाउंड बोनस, ऐसे निकालते हो. सर ने भी आई थिंक छोटा सा एक सम कराया होगा थ्योरी में, कराया है क्या, छोटा सा एकदम एक दो लाइन का सम करवाया, उसने यही करवाया होगा, BT ऐसे लेके कुछ करवाया है, ऐसे ही कुछ था उसमें, बट थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन थ्योरी. अब 202 पे बोनस मिल रहा है 2% का, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर इतना अक्यूमुलेट, अगेन शी इज पेइंग 100 रुपीज, वो आ गया, उस पर पूरा 2% का बोनस मिल रहा है, वैसे इट्स गेटिंग अक्यूमुलेटेड. ठीक है, सो दैट इज व्हाई यू आर टेकिंग बोथ ऑफ दीज एंड कैलकुलेटिंग वैल्यू एट द एंड, क्या हो जाएगा ऑब्वियसली इन दोनों का एडिशन. अब इसको इधर ले लेंगे, अगेन शी इज पेइंग योर प्रीमियम, उस पे पूरा 2% का बोनस अगेन. तो ये पूरा अक्यूमुलेशन, ये टेबल बन गया खत्म, बाकी अब कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट टेस्टिंग है. दिस 4 मार्क्स इफ यू गेट इट करेक्ट, अक्यूमुलेटिंग विथ प्रॉफिट, इट्स अ नॉर्मल प्रॉफिट टेस्टिंग सम. Where your premiums are getting accumulated with bonuses, with profit. Simple, khatam. Clear hai? Unit fund kya hota hai? Aishwarya is paying me 100 rupees. Usko main units mein divide kar rahi hu. Ab units mein kaise divide karte hai? Suppose mujhe 20 rupees ka ek share khareedna hai. To 100 rupees kitna mein divide hoga? 5 unit mein 5 unit share khareed sakti hu. That is units. Usko units bolte hai. उतना डिटेल्स में भज जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे. तो बस ये समझो, यूनिट फंड जैसे करते हैं इट्स द सेम, प्रॉफिट टेस्टिंग जैसे करते हैं सेम, जस्ट दैट अक्यूमुलेशन इज डिफरेंट. ओके, सो ये हो गया आपका. अब
ये जो है पूरा प्रॉफिट टेस्टिंग टेबल पूरा सेम है जो आप लोग करते हो, मैं दिखा देती हूँ फिर भी. दिस इज द प्रीमियम अमाउंट, ये एकदम सेम है. प्रीमियम अमाउंट एकदम सेम लेंगे, प्रीमियम में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये जो अक्यूमुलेटेड ये जो वैल्यू एट द एंड है ये कब काम आएगा, डेथ के लिए, मेच्योरिटी के लिए और आपका सरेंडर के लिए. अब डेथ और मेच्योरिटी में देर इज अ टर्मिनल बोनस विच वी आर पेइंग, सरेंडर में देर इज नो टर्मिनल बोनस विच वी आर पेइंग. ये बात ध्यान रखना है. फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट टर्मिनल बोनस, ये बात ध्यान रखना, ठीक है. सो नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, सी दिस इज द प्रीमियम. इसका देख लो सिंगल 2 मार्क्स दे दिया इन्होंने, क्योंकि ये एक्चुअली ऐसा कॉलम है जहाँ पे लोग कंफ्यूज रहेंगे कि क्या लें. इट्स अ नॉर्मल प्रीमियम विच यू टेक, नॉर्मल प्रीमियम, कमीशन एक्सपेंसेस नॉर्मली, अगेन इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, प्रीमियम माइनस कमीशन माइनस एक्सपेंस, इंटरेस्ट आ गया, ठीक है. डेथ क्लेम, मैं जा नहीं रही हूँ सेल में, डेथ क्लेम क्या दिया हुआ है, मिनिमम ऑफ 1 लाख और या आपका जो वैल्यू ऑफ फंड्स अक्यूमुलेटेड है, करेक्ट. ये दोनों में से कोई एक तो देख लो, वही किया हुआ उन्होंने भी, देख लो, देख लो, मैक्सिमम ऑफ 1 लाख, 1 लाख या फिर, अच्छा यहाँ पे टर्मिनल बोनस भी तो था ना डेथ और मेच्योरिटी में, तो यहाँ पे क्या किया देखो, मैक्सिमम ऑफ 1 लाख T4, उसके बाद क्या किया G8, G8 इज एक्चुअली ये वाला जो फंड मेरा अक्यूमुलेट हुआ है वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर जो AWB से accumulate हो रहा है, that into your terminal bonus. Terminal bonus कैसे pay करते हैं? हमने ये सीखा था अभी class class में, हमजा पूछा था ना तब मैंने पूरा हर एक bonus से समझाया था. तो terminal bonus किस पे calculate हो रहा है? अभी तक का जितना भी value है funds का उस पे पूरा terminal bonus हम ले रहे हैं, ठीक है. So that is your terminal bonus. एंड देन ये पूरा जो भी मैक्सिमम रहेगा इसमें से मल्टीप्लाइड विद द डेथ प्रोबेबिलिटी. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इस 1 लाख पे देयर इज नो टर्मिनल बोनस, क्योंकि 1 लाख इज द मैक्स लाइक मिनिमम अमाउंट विच द पर्सन शुड रिसीव. सो आपका अक्यूमुलेटेड जो वैल्यू आ रहा है फंड का, दैट मल्टीप्लाइड बाय टर्मिनल बोनस, स्टिल इफ इट इज लेस देन 1 लाख यू विल पे द पर्सन 1 लाख, है ना, यू पे द पर्सन 1 लाख. एंड दिस इज द, ये एक्चुअली डिफिकल्ट था, दिस वॉज द, आई मेरे अकॉर्डिंग पूरे लाइक पूरे सम का दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन टू अंडरस्टैंड. बट येस, अगर आप कुछ गलती करते हो, अगर आप 1 लाख में भी टर्मिनल बोनस लेते हो, तो आई एम श्योर पूरा 3 मार्क्स नहीं डिडक्ट होगा, सम पार्ट ऑफ इट विल बी डिडक्टेड, बिकॉज क्वेश्चन में भी थोड़ा अनक्लियर है कि टर्मिनल बोनस आपको किस पे कैलकुलेट करना है. तो अगर आप 1 लाख पे भी लेते हो टर्मिनल बोनस, आई थिंक पूरा 3 मार्क्स तो नहीं डिडक्ट करना चाहिए. बट इज इट क्लियर, ये वाला देख लो एक बार, मैक्सिमम ऑफ 1 लाख या फिर जितना अभी तक मेरा फंड्स अक्यूमुलेट हुआ है, दैट इनटू टर्मिनल बोनस, मैक्सिमम ऑफ एनी ऑफ दीज टू मल्टीप्लाइड बाय योर डेथ का प्रोबेबिलिटी. सिमिलरली सरेंडर क्लेम में टर्मिनल बोनस नहीं था, तो इसमें कुछ सरेंडर हम लोग वो नहीं लेंगे. बट यहाँ पे देखो क्या करा हुआ इन्होंने, आप क्या पे करोगे. अच्छा यहाँ पे एक्स्ट्रा डेथ कॉस्ट एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ यूनिट फंड नॉन यूनिट फंड वाला कॉन्सेप्ट है नहीं. इट्स अ सिंपल प्रॉफिट टेस्टिंग टेबल जो आप लोग बनाते हैं, तो एक्सपेक्टेड डेथ कॉस्ट एक्सपेक्टेड सरेंडर कॉस्ट वो ले रहे हैं. एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेड डेथ कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, दैट इज अ यूनिट फंड नॉन यूनिट फंड वाला, ठीक है ना. तो वैल्यू ऑफ द फंड्स दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग इनटू द एक्यू एक्स सरेंडर करने का प्रोबेबिलिटी, इस केस में देयर इज नो टर्मिनल बोनस व्हिच यू आर गेटिंग. एक चीज यहाँ पे एंड वाला कैलकुलेशन भी देख लेंगे, एंड वाला कैलकुलेशन भी देख लो, सेम है. क्यों सेम है, मेच्योरिटी और डेथ का क्यों सेम है, बिकॉज मेच्योरिटी डेथ दोनों पे टर्मिनल बोनस मिल रहे हैं, सो इट्स द सेम, इसीलिए अलग से कुछ नहीं करा हुआ था, ठीक है. मेच्योरिटी इधर भी किया इन्होंने, वो मैं दिखा दूंगी. क्लेम एक्सपेंस इज द सेम थिंग जो हमने पहले किया, यहाँ पे 50 रहेगा यूनिट फंड में जो मैंने समझाया. मैच्योरिटी क्लेम इंक्लूडिंग टर्मिनल बोनस, तो यहाँ पे देख लो क्या किया हुआ है, यहाँ पे जितना भी आपका फंड अक्यूमुलेट हुआ है, दिस इनटू 1 प्लस टर्मिनल बोनस इनटू जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी एपीएक्स, ठीक है. दिस इज योर मैच्योरिटी. ओके,
तो आपका आ गया प्रॉफिट वेक्टर. नॉर्मली प्रॉफिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? प्रीमियम कमीशन माइनस एक्सपेंस माइनस इंटरेस्ट प्लस डेथ क्लेम माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, सारे माइनस हो गए. उसके बाद आपका प्रॉफिट प्रॉफिट सिग्नेचर आ गया, डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये सब कुछ सेम है. प्रॉफिट सिग्नेचर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रीमियम्स, एंड देन यू हैव द प्रीमियम प्रॉफिट मार्जिन. वंस यू हैव द प्रॉफिट मार्जिन, तो ये कुछ डिफरेंट आएगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ और ही ले रखा है, मे बी 10% 20% जो भी ऐसा कुछ ले रखा है. देन यू यूज गोल सी, देन यू यूज गोल सी टू चेंज दिस टू 2.46%, क्योंकि यहाँ पे 2.46 आ रहा था, बाय चेंजिंग द टर्मिनल बोनस रेट. दैट इज फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग 2 मार्क्स का. देख लो यहाँ अलग से ऐसे करके क्यों दिखाया है, क्योंकि इस पे अलग से मार्क्स है. हम लोग क्या लिखेंगे एग्जाम में, यूजिंग गोल सी, यहाँ पे पूरा ऐसे लिखेंगे, यूजिंग गोल सी. ठीक है, अगर आप ये अलग से नहीं पे दिखाओगे, आप यहीं पे रख के यहाँ पे लिख दोगे यूजिंग गोल सीक, एंड मैंने जो पूरा समझाया ना, गोल सीक में हम क्या लिखते हैं, सेट सेल टू वैल्यू बाय चेंजिंग, वो पूरा आपको लिखना है. आइदर यू गिव इट एज अ कमेंट और यू गिव इट इन द सेल. तो बेसिकली पूरे सम में सब कुछ सेम था, खाली आपका AWP वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगा, कि जैसे जैसे मुझे प्रीमियम मिल रहे हैं उस पर मुझे बोनसेस मिलते जा रहे हैं. सो वैल्यू एट द स्टार्ट, प्रीमियम विच आई एम गेटिंग इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज एक्चुअली द बोनस ऑन द इंटरेस्ट, तो यहाँ पे बोनस लिखना चाहिए इनको भी. एंड देन वैल्यू एट द एंड, ये अब वैल्यू इज टेकन इन डेथ मेच्योरिटी एंड सरेंडर. डेथ एंड मेच्योरिटी में एक टर्मिनल बोनस भी बोला है, तो यहाँ पे वो भी कंसिडर करेंगे यहाँ पे. एंड मेच्योरिटी सरेंडर पे देर इज नो बेनिफिट टर्मिनल बोनस. पूछो. पूछ लो यहाँ पे कोई डाउट है तो किसी को. सिंपल था, पूरा प्रॉफिट टेस्टिंग टेबल एकदम सेम बनेगा. अब समझो दो चीज आप लोग के सिलेबस में, एक प्रॉफिट टेस्टिंग और एक यूलिप. यूलिप का सम आता है सेम तरीके से करते हैं, यूनिट लिंक बनाते हैं, नॉन यूनिट लिंक बनाते हैं. नॉन यूनिट लिंक में एक्स्ट्रा डेथ कॉस्ट, एक्स्ट्रा वर्ड जब भी यूज करो मतलब समझो ओवर एंड अबव द यूनिट फंड्स. अब प्रॉफिट टेस्टिंग में क्या होता था, आपका ये नॉर्मल कैलकुलेशन पूरा होता था. उस केस में आप लोगों को क्या गिवन रहता था, सम अश्योर्ड गिवन रहता था कि डेथ में इतना सम अश्योर्ड पे करेंगे, मेच्योरिटी पे इतना पे करेंगे, सरेंडर पे इतना पे करेंगे. वो जो अमाउंट गिवन था, दैट अमाउंट ओवर हियर इज नथिंग बट योर अक्यूमुलेटेड विद प्रॉफिट वाला अमाउंट. प्रॉफिट टेस्टिंग का सम खोलो, हर एक सम में गिवन है कि आपका सम अश्योर्ड इज 1 लाख, आइदर द सम अश्योर्ड इज इंक्रीजिंग और इट्स डिक्रीजिंग, वट एवर, बट इट्स गिवन टू यू. That sum assured is nothing but AWP. हाँ, it's basically accumulating, the premiums accumulating with profit. It's a simple profit testing sum, जहाँ पे instead of straight away giving you the minimum sum assured, the maturity पे कितना sum assured होना चाहिए, surrender में कितना benefit मिलना चाहिए, instead of doing that they have given you. तो इस table का खाली 4 मार्क है, बाकी पूरा profit testing का ही table. ये अंशुल को देखो सो गया है. अंशुल तुम निकलो क्लास से, उसको नींद आ गया. मैं क्लास करते करते बोलो, इस सम को आप लोग खुद से बनाओगे. द ओनली थिंग व्हिच वाज आई थिंक अ लिटिल डिफिकल्ट इन दिस सम वाज दिस डेथ कॉलम. मैक्सिमम ऑफ 1 लाख और द वैल्यू व्हिच हैज बीन एक्युमुलेटेड इनटू 1 प्लस योर टर्मिनल बोनस, तो वो थोड़ा आई थिंक हो सकता है डिफिकल्ट, अदरवाइज पूरा वाज वेरी सिंपल. आप लोग को समझ में आया बिट ऑफ अ स्प्रेड क्या होता है, प्रॉफिट टेस्टिंग क्या होता है, यूलिप यूलिप क्या होता है, यूलिप यूलिप इज यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट्स, दिस इज अक्यूमुलेटिंग विद प्रॉफिट. एक आई थिंक UWP वैसा करके कुछ है क्या, एक AWP प्रोडक्ट्स है और एक और है आप लोग के में, यू से कुछ है शायद, ऐसा कुछ याद आ रहेगा किसी को पढ़ा हुआ. इट्स द सेम एज यूनिट, तो वो अलग से नहीं है, सेम एज यूलिप. तो क्लियर है अभी सबको, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो इस सम में. इट्स इट वाज अ एक्चुअली अ डिफरेंट सम यहाँ पे. आस्क एक सेकंड क्या लिखा. हाँ ठीक है, तो कोई डाउट है तो पूछ लो, वेरी वेरी सिंपल सम.
इसको प्लीज आज बना लेना. आई एम गिविंग यू ऑल दिस वीकेंड. मंडे को आई विल कीप आईआई स्पेसिफिक डाउट्स इफ यू उनका एग्जाम आपसे पहले. देन ट्यूजडे एंड वेंसडे और मे बी वट एवर नेक्स्ट वीक वी कंप्लीट पास्ट पेपर डाउट्स एंड मॉक पेपर डाउट्स. फाइनल असाइनमेंट वो भी ले लूंगी. बट प्लीज वीकेंड निकाल के आप लोग को एटलीस्ट दो या तीन पेपर सॉल्व करना ही है. मॉक पेपर्स पास्ट पेपर्स इंक्लूडिंग नेक्स्ट वीक के एंड तक, मतलब फ्राइडे तक, नॉट इवन फ्राइडे, वेंसडे थर्सडे तक टारगेट रखो पास्ट पेपर्स मॉक पेपर्स पूरा सॉल्व करना. सही कितना आपके पास? चार पास्ट पेपर है, तीन मॉक पेपर्स है, बस सेवन पेपर्स है आपके पास. बाय वन बाय टू स्पेसिमेन. क्लियर? किसी को कुछ पूछना है? डर कुछ भी पूछना है प्लीज प्रैक्टिस दिस सम इन वीकेंड. प्रैक्टिस दिस एंटायर पेपर. देखो आपका कितना टाइम लग रहा है. इनिशियली स्टार्टिंग के पेपर्स नहीं हो पाएंगे वरना 45 मिनट्स में, बट आपको करना है एनीवे. ट्रस्ट मी, CM1 में स्टूडेंट्स गेट आराम से अबव 85 इन एक्सेल. स्टूडेंट्स हु प्रैक्टिस प्रॉपरली, ऐसा नहीं कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट और वेरी ब्राइट, वैसा कुछ नहीं है. इंटेलिजेंट तो है, बट एट द सेम टाइम द मोर important concept is practicing the paper, practicing Excel every day. Okay, so next week 2-3 classes and we finish off. फिर चलो अगर कोई doubt वोट आता है एक ले लूंगी, but next week maximum IAI का एक doubts class लूंगी. That will only be for IAI students. किसी को करने कर सकते हो, but I will suggest मत करो, सिर्फ IAI students को करने दो. And then IFOA का 2-3 class और, मतलब combined. हाँ बोलो ऐशो. मैम वैसे तो काफी अनप्रिडिक्टेबल है कि वो क्या एक्स्ट्रा पूछेंगे 20 मार्क्स का अलग से, बट फिर कुछ आता है तो हमारा अप्रोच कैसा रहना चाहिए उसे? देखो जैसे कि इस क्वेश्चन यहाँ पे इस पेपर में एक चीज बहुत अच्छा था कि जो बच्चे स्टार्टिंग से पेपर करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन एंड में था, राइट? स्टार्टिंग में अगर सी दिस क्वेश्चन आर समथिंग व्हिच आर नॉट श्योर अबाउट, तो जो एग्जाम में श्योर सबसे ज्यादा वो पहले करो, हमेशा याद रखो. सो द मेन थिंग ऑलवेज इज दैट यू रीड द पेपर. जैसे ही पेपर मिला टेक आउट 4-5 मिनट्स एंड यू नो रीड द एंटायर पेपर. अगर आप पूरा पेपर एक बार रीड कर लेते हो, यू नो विच सम टू अटेम्प्ट फर्स्ट. और अगर ऐसा तुमको देख के लग रहा है ना, तुमने सपोज एग्जाम में AWP देखा, तो तुमको देख के लगा कि हाँ ये नया कुछ है, तो तुम इसको मालूम है लास्ट में अटेम्प्ट करना. Then last में you will have a little, and अगर जो भी उस समय समझ आ रहा है ना बना के आ जाओगे, जो भी समझ आ रहा है ब्लैंक मत छोड़ो. दैट इज द की. ब्लैंक कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? ब्लैंक कुछ भी नहीं छोड़ना है. नेक्स्ट बोलो. दिस शुड बी द पोस्ट, लाइक जिसमें भी आप श्योर हो 100% उसको पहले करो हमेशा. फॉर पेपर ए एंड बी बोथ आई एम सेइंग, इसके लिए यू विल हैव टू बी. एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे बहुत अच्छा स्टूडेंट है मेरा, उसके साथ हुआ था ये चीज. ही वाज गिविंग पेपर फ्रॉम IAI. सो आर का एग्जाम था, ठीक है? आर में 4-5 क्वेश्चंस आते हैं. एंड हुआ ये कि ही स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें उसको टाइम लग गया फोर्थ, एंड देन उसने क्वेश्चन पेपर रीड नहीं करा था. फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन वर रियली 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 सिंपल, लाइक रियली सिंपल. अब उसके पास वो दोनों क्वेश्चन करने, एंड फिफ्थ क्वेश्चन तो वो कर ही नहीं पाया टाइम की वजह से, एंड फोर्थ क्वेश्चन भी वो पूरा नहीं कर पाया टाइम, मतलब मे बी बना के बस आ गया क्योंकि उसको आता था तो वो जल्दी बना के. सो ऐसा जनरली होता है, मैंने देखा है. वो तो खाली एक एग्जाम्पल है, ऐसे काफी स्टूडेंट्स के साथ मैंने देखा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू रीड द पेपर. 2 मिनट्स भले आप लगाओ, बट आप पूरा पेपर क्विकली स्कैन कर लो. अब क्विकली स्कैन कैसे कनेक्ट करते हैं, मतलब अब जैसे पेपर मिला आपको, अब यहाँ पे यू जस्ट स्टार्टेड रीडिंग. लोन है, ठीक है, ऐसे 18 मंथ्स है, तो मतलब इसको 1 मिनट लगा के इस सम को रीड करा, फिर 1 मिनट लगा के इस सम को रीड करा, क्विकली स्कैन थ्रू करा एंड इस सम को. अब यहाँ पे ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू रीड दीज, यू आर गोइंग टू ओपन द स्प्रेडशीट एंड सी कि क्या क्या अजम्पशंस है. तो जो प्रॉफिटेबल की जो अजम्पशंस है वो आप नहीं रीड करोगे, तो क्विकली आपको पूरा पेपर रीड करने में 5 मिनट्स मैक्सिमम लगेगा, एक्सेल का बता रही हूँ, ठीक है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू दैट. ओके, तो आज क्या करते हैं, मंडे को आई विल कीप IAI स्पेसिफिक डाउट्स, एंड देन ट्यूसडे मैं पास्ट पेपर्स का लूंगी, एंड देन आई विल से कि मौका मे बी थर्सडे को या समवेयर अराउंड दैट. यस हमजा बोलो. मैम ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी इन अ डिफरेंट वर्कबुक ना, जैसे या एक ही वर्कबुक को बना सकते हैं?
देखो वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, एग्जाम में जैसा मिलेगा, मतलब एग्जाम में एक्सेल फाइल मिलता है, मैं उसका एक वॉइस नोट बना के फिर भी शेयर कर दूंगी। तो मे बी अगर आपको 3 वर्कबुक अलग अलग दे रहे हैं, पहले पास्ट में दे यूज टू गिव 3 वर्कबुक्स ऐसे अलग से, तो आप 3 वर्कबुक्स डाउनलोड करते हैं उसमें करते हैं, तीनों को अलग अलग अपलोड करते हैं। अभी आजकल आई थिंक दे स्टार्टेड गिविंग इन 1 वर्कबुक इटसेल्फ, मुझे जहां तक याद आ रहा है। तो इट डिपेंड्स कि आपको एग्जाम में कैसे मिलता है, जैसे मिलता है वैसे ही सबमिट करते हैं। इसका मैं एक शॉर्ट क्लिप बना के भी डालूंगी, फॉर ऑल द पेपर्स इट्स कॉमन एक्चुअली, तो वो मैं डालूंगी, तो उसमें डोंट वरी। बेस्ट गेस कि हर पार्ट को अलग अलग शीट में रखना, ये आपको ध्यान रखना। आंसर्स का शीट जो होता है ना, जनरली दे गिव यू द आंसर्स शीट, इट्स अगेन अगर आप करते हो ना तो बहुत सही रहता है कि आप यहाँ पे लिख दो। अगर आप पूरा भी नहीं लिखो तो जस्ट यू नो ऐसे करके इक्वल टू करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ऐसे छोड़ दो प्रॉफिट मार्जिन। देखा मैंने कैसे किया, इक्वल टू करके से मिलो नहीं, यहाँ पे इक्वल टू करके इसको ऐसे एंड यूजिंग गोल सी। काफी जगह में दे आर रिटन यूजिंग सॉल्वर, सॉल्वर नहीं आपके सिलेबस में, गोल सी यूज करके करना, इट्स द सेम थिंग। सॉल्वर नहीं कराऊंगी मैं, इट्स गोल सी। ओके सो ओके लेट्स डू इट टिल योर मंडे, आईआई डॉट्स ही होगा एंड देन पास्ट पेपर्स एंड देन मॉक पेपर्स, ठीक है? तो वैसे आप लोग करके रखना डाउट्स, क्योंकि वापस से मैं नहीं दूंगी डाउट्स कुछ भी और। ओके चलो ग्रेट, बाय, यू ऑल कैन लीव द क्लास।